Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot's Expert Truth Always Exposes Darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में कौन डेफिनेटली प्रवेश करने वाले हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडियक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudakshina1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, देख लेते हैं आपके जीवन में कौन डेफिनेटली आने वाले हैं। ऑल राइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। सो यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। अगर आप सिंगल है, अगर आप सेपरेटेड भी है, कोई भी स्टेटस है आपका, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो नहीं हो तो भी देख सकते हैं वो रीडिंग को। ओके चलो, हु इज योर पर्सन, हु इज योर मैन, हु इज योर लेडी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू हैव एज द यंग, इन एंड यंग। ओके मैसेज इन अ बॉटल, आई लव द टर्कवाइज ब्लू कलर। हो सकता है कि आपके पर्सन को पसंद हो या आपको पसंद हो। हियर एंड नाउ, लाइट स्लाइम ग्रीन कलर, लॉयल हार्ट। ओके और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है बाय द बुक 11। सो 11111, हो सकता है कि आप देखो 15 32 35। यहाँ से हम देख लेते हैं विच इज लाइक द मेन, हु इज योर पर्सन, हु इज डेफिनेटली कमिंग इन माई व्यूअर्स लाइफ। मेरे व्यूअर्स की जिंदगी में कौन अवश्य 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 प्रवेश करने वाले हैं, कौन होने वाले हैं, उनके अपने कौन कमिटमेंट देने वाले हैं, प्लीज बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज बताएं। थैंक यू यूनिवर्स। सो फर्स्ट कार्ड हमारे पास है किंग ऑफ इंटेलिजेंस, दिस इज द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके नेक्स्ट वी डू हैव द हैंग्ड मैन, नेक्स्ट हमारे पास है नाइट ऑफ विजडम, दिस इज द नाइट ऑफ कप्स। ओके वी डू हैव द फाइव ऑफ विजडम, दिस इज द फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक we do have the devil and ace of strength, that is the aries leo sagittarius devil capricorn। okay yahan pe isko yahan pe rakh dete hain taki aapko sare cards acche se dikhai de, thoda sa samay de dijiye and then ace of strength। I hope you can see properly now। सो यहाँ पे है एक्वेरियस जेमिनी लीब्रा, यहाँ पे है कुंभ मिथुन तुला राशि, यहाँ पे है वी डू हैव द हैंग्ड मैन एज द पाइसेस मीन राशि, यहाँ पे है कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो कर्क वृश्चिक और मीन राशि, मीन राशि कुंभ मिथुन तुला राशि मकर राशि, यहाँ पे है जेमिनी मिथुन राशि, यहाँ पे है दिस वन वी डू हैव एज अ एरीज लियो सजिटेरियस मेष सिंह धनुराशि। ओके एंड यस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है, यस इट्स देयर, लिब्रा इज ऑल्सो देयर। सो बेसिकली ये इंसान है कौन, कौन है जो आपकी जिंदगी में प्रवेश करने वाले हैं बहुत जल्द से जल्द। ये इंसान ऐसे इंसान है जो काफी ज्यादा ड्रामेटिक है। आई डू फाइंड हर एक चीज़ में उनकी एक ड्रामा, उनकी एक बहुत ज़्यादा, मैं आपको क्या कैसे बताऊँ, दिस पर्सन इज़ लाइक यू नो व्हाट, कि हर एक चीज़ में थोड़ा सा नाटक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई डू फाइंड लाइक दैट दिस पर्सन इज़ विल बी सेंडिंग यू मैसेजेस, फिर वो बोलेंगे कि आप भी मुझे मैसेजेस भेजो, ठीक है, आपकी जितनी भी फोटोज़ है आप मुझे भेजो। ओके एंड वेट करते रहेंगे एंड डेफिनेटली आई डू फाइंड कि दिस कैन बी एन ओवरसीज कनेक्शन ऑल्सो एट द सेम टाइम। ओके एंड दूसरा चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि पहले पहले आपको लगेगा कि ये इंसान काफ़ी सीक्रेटिव है, काफ़ी ज़्यादा इस इंसान के जो अंदर जो चीज़ें हैं वो काफ़ी इनविजिबल है,
मतलब आपको समझ में नहीं आएगा, यू विल नॉट अंडरस्टैंड प्रॉपरली हाउ इज दिस पर्सन, बट आफ्टर दैट जब ये बॉटल से ये कॉर्क निकल जाएगा तब आपको पता चलेगा समय के साथ साथ कि ये इंसान किस तरह के इंसान है। तो थोड़ा सा हर एक सिचुएशन को ओवर ड्रामेटाइज करना इनकी एक आदत हो सकती है। दूसरा चीज़ है, ये इंसान आप जिस नज़रिए से देखते होंगे वो नज़रिए से बिल्कुल विपरीत दिशा में ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बात करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आई डू फाइंड अगर आप बोलेंगे कि यस मिनरल वाटर ऑफ कोर्स शरीर के लिए अच्छा है, सो वो बोलेंगे कि जब मिनरल वाटर प्यूरीफायर से निकलता है तो बहुत सारे मिनरल्स को ड्रेन भी कर दिया जाता है, मतलब फिल्टर भी किया कर दिया जाता है। मतलब उनका तर्क जो है, उनका जो एक एक्सपर्टाइज नॉलेज है, आप बोलोगे कि उनके सामने आपका हार मानना ही है भाई, तो आप बोलोगे बस आप ही सही हम गलत, हमने तो कुछ पढ़ाई लिखाई किया ही नहीं है, सिर्फ आप ही ने किया है, इस तरह की बातें होंगे। एंड बट यू विल एन्जॉय, बोथ ऑफ यू विल एन्जॉय। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है ऐसा सिचुएशन आपका लगभग ऐसा था आपकी ज़िंदगी में, और ऐसा है भी कुछ लोगों के लिए अभी भी ये चीज़ चल रहा है, यू आर स्टिल मिसिंग सम पर्सन इन योर लाइफ। ये वही इंसान हो सकता है या दूसरा हो सकते हैं, बिकॉज इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, आई कैनॉट कन्फर्म टू द 100%। बट ये इंसान जो है आपको डिच किए होंगे, आपको बोले होंगे कि नहीं मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे अभी कोई डिसीशन या फैसला नहीं लेना है, तो आपके लिए उन्होंने जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया, लेकिन आप ज़िद पे अड़े रहे, नहीं मुझे अभी आपके साथ बात करना है, अभी करना है, अभी करना है। सो आप एक बच्चे के जैसा बन गए उनके सामने। यू हैड ऑल द पैशंस, सी रेड इज़ द कलर फॉर पैशन ऑल्सो, सो यू हैड दैट फ्लैग ऑफ रोमांस, आपके हाथ में वो फ्लैग था, आप अभी भी उस इंसान के लिए वेट कर रहे हो, बट ये इंसान जैसा आपको अभी तक ब्लॉक करके रखे हैं। सो हियर एंड नाउ आई कैन फाइंड कि आप अभी भी पास्ट में जी रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन को आप इग्नोर कर ही रहे हैं, एंड बेसिकली यू आर मिसिंग दोज थिंग्स ऑफ द पास्ट। आप ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, यू आर नॉट लिफ्टिंग योर सेल्फ अप, ठीक है। आप उस डेविल के चक्कर में तो नहीं हैं जो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा एक खतरा आपके लिए हो सकता है ये इंसान, मतलब जो जिस इंसान से आपका ताल्लुकात था, मे बी वो आपके लिए खतरा बन सकता है। कैन यू सी द डेविल हियर, कैन यू सी द डेविल हियर। सो दिस सिचुएशन कैन बी डेंजरस। मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये एक वायलेंट सिचुएशन होगा, बट अगर आप जिद पे अड़े रहे तो वायलेंट सिचुएशन हो भी सकता है। देर इज़ नो गारंटी नाउअडेज़, आप देख ही रहे हैं आसपास के जो न्यूज़ आता है, आप देखा करो, ठीक है। सो डोंट प्रेशराइज एनीवन। आपके लिए जो आने वाले हैं सो वो तो लॉयल हार्ट है, आप खामखा जो है ना पास चीज़ों को लेके बैठे हैं, आपको ऐसा लग रहा है जैसे होता है ना इट्स अ फाइव ऑफ विजडम, लाइक अ फाइव ऑफ कप्स, की जहाँ पे ये इंसान ठीक है वो सारे जो जैसे लगता है कि आपने पाँच ग्लासेस अपने तोड़ दिए और बहुत कीमती था, तीन ग्लासेस में से दो बच्चे आपने देखा, फिर भी आपका दोनों के ऊपर और नज़र नहीं किया, हम आप इस चीज़ को स्टोर करके रखें वरना वो भी टूटेगा, आप सिर्फ तीन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। सो इट्स लाइक दैट यू आर नॉट लिफ्टिंग योर सेल्फ, आप अपने प्रोग्रेस को खुद ही बंद कर रहे हो, आप अपने जीवन में जो लाइट है, जो द्वार है, आप उससे अंदर नहीं जाने दे रहे हो। हाउ देन यू कैन ग्रो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ एग है, राइट, आपका फर्टिलिटी हो ही नहीं पा रहा है, आप ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अपने लिए आप प्रॉस्पेरिटी कैसे लाओगे, हाउ विल यू मेक योर सेल्फ रिकॉग्नाइज, यू आर डिस्ट्रॉइंग योर सेल्फ बेसिकली। सो ये दौरान ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल नहीं रहेगा। यू विल मीट अ पर्सन ऑफ कोर्स विद अ लॉयल हार्ट। विद द नाइट ऑफ कप्स आई डू फाइंड कि इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह से रहेगा कि इंसान किसी के साथ धोखा कर ही नहीं सकते, मे बी कुछ सीक्रेटिव हो सकते हैं, ओके, दे कैन बी ऑल्सो सर्टन काइंड ऑफ मिसचीवियस, थोड़ा नटखट हो सकते हैं,
बट वो आपसे धोखा करे ऐसा, दे आर वेरी मच आर्टिस्टिक ऑल्सो एट द सेम टाइम, बहुत आर्टिस्टिक है, बहुत क्रिएटिव है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं ये, ठीक है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड, आर्ट, म्यूजिक, ड्रामा, एनी थिंग लाइक दैट, ओके, एंड दे आर वेरी फैंसी ऑल्सो. सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपका करियर इस इंसान के आ जाने से तो बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये इंसान एक प्रोफेशनल है, कुछ लोगों के लिए एक्सपर्ट डिसीजन लोगों को देते हैं, तो आपको तो देंगे ही ज़रूर. यू आर देयर इनकम्प्लीट पार्ट, यू नो दैट, यू शुड नो दैट. आपको जानना है, क्या जानना है, कि आप उनके अधूरे हिस्से हो. यू आर ट्विन फ्लेम ऑफ देम. और ट्विन फ्लेम ऐसा है कि सपोज आप अपने आप को चोट पहुंचा रहे हो ना, उनको चोट पहुंच रहा है, और वो अगर खुद को चोट पहुंचा रहे हैं तो आपको चोट पहुंच रहा है, ठीक है. सो बेसिकली हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैन बी चैलेंजिंग एंड ट्रिगरिंग, बट ये धारणा जो है कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कैन बी लाइक वेरी टॉक्सिक, नो, नॉट एवर. तो फिर नॉलेज की कमी के वजह से शायद ऐसा आपको लग रहा है. नहीं, आप जान लो जो सत्य है उससे आप वाकिफ रहो. व्हाट इज़ अ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप? ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप इज लाइक दैट कि जहाँ पे एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, ट्रिगर कर रहे हैं, ताकि एक दूसरे को तरक्की हो, क्योंकि दिस इज़ योर शेडो सेल्फ, राइट. सो आप अपने शेडो को कभी भी तकलीफ नहीं पहुँचा सकते, उसको चैलेंज कर सकते हैं ताकि आप वो और भी उसका ग्रोथ हो, लेकिन आप अपने ही हिस्से के साथ यहाँ पे आप अपने ही हिस्से के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करते. तो अगर टॉक्सिक डेंजरस रिलेशनशिप है विच इज़ लाइक ड्रेनिंग योर ब्लड, वे आपके खून चूस रहे हैं, सो वो कहाँ से ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप है? दिस इज एब्सोल्युटली अ कार्मिक रिलेशनशिप. तो कुछ कार्मिक रिलेशनशिप एंड होगा. ये इंसान जो भी है बहुत ज़्यादा फेयरनेस, जस्टिस, ठीक है, इक्वालिटी, बराबर का हक, हर एक धर्म एक ऐसा मान के चलते हैं, हर एक सोसाइटी के से अच्छाई सीखते हैं, कल्चर बहुत ज़्यादा है, सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस उनके फैमिली में चलता है. यहाँ पे एक तोरण, दो जगह पे तोरण है, सो इट इंडिकेट्स दैट यू विल हैव अ वेरी गुड ऑस्पिशियस स्टार्ट. आपके साथ इनकी एक शुभ जर्नी शुरुआत होगा. हो सकता है डेजर्ट समहाउ इज रिलेटेड, ओके, टू बोथ ऑफ यू. हो सकता है ट्रिप में जाए आप, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड डेफिनेटली दे आर इनोवेटिव, बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को यूनिक तरीके से प्रेजेंट करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक उन्होंने कोई पिक्चर, ठीक है, फ्रेम में लोग देते हैं एज अ गिफ्ट. वो क्या करेंगे, जिसको बर्थडे में गिफ्ट दे रहे हैं उसका पिक्चर, ठीक है, फ्रेम में बना के उसी को गिफ्ट करेंगे. या कॉफ़ी मग हो तो कॉफ़ी मग में उसका पिक्चर, उसका नेम दे के फिर देंगे. मतलब दे आर समहाउ दे आर प्रेजेंटेशन इज़ वेरी यूनिक, लाइक द शेप ऑफ फाइव स्टार होटल्स, वेर दे यू कैन से प्रेजेंट द फूड इन अ वेरी नाइस फॉर्म. एक प्रेजेंटेशन बोल के भी एक चीज़ होता है, किस तरह से आप पेश कर रहे हैं लोगों के सामने. नृत्य भी पेश करने का तरीका होता है, गाना भी पेश करने का तरीका होता है. एक नियम होता है कि इस चीज़ के बाद ये है, ठीक है, पहले हमें नमस्कारम करना पड़ता है, उसके बाद ये होता है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स, राइट. तो वो हर एक चीज़ को फॉलो करने वाले. कुछ लोगों के लिए दे ड्रिंक अ लॉट फॉर एग्जाम्पल, एंड देर वेरी मच देर सर्टन टाइम्स. हो सकता है इनके ऑफिस में अगर जाओ आप देखोगे ये एम्प्लॉय के ऊपर चिल्ला रहे हैं फॉर द परफेक्शन ऑफ द वर्क. हो सकता है या आपके अगर पर्सन बिजनेस मैन हैं तो वो तो अपने कर्मचारी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्लाते ही है, लेकिन वो उनकी ग्रोथ के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, उनकी तरक्की के लिए करते ही है कुछ भी, ट्रेनिंग देते हैं उनको अच्छा से, उनको नौकरी मिले, ठीक है, इस तरह का भी ट्रेनिंग वो दे सकते हैं. मे बी अ ट्रेनर, मे बी एन इंडस्ट्रियल ट्रेनर, इस तरह से हो सकते हैं, एचआर पोजीशन में हो सकते हैं. एंड दे विल, इट डज नॉट ऑलवेज इंडिकेट टॉक्सिक, बट मैक्सिमम टाइम्स इट इज़ टॉक्सिक रिलेशनशिप. कुछ लोगों के लिए ये इंसान हो सकता है कि
दे मे बी रिलेटेड टू अंडरग्राउंड थिंग्स लाइक खनिज पदार्थ के साथ जुड़े हुए हैं, मे बी रिलेटेड टू मेनी टाइप ऑफ मिनरल, गोल्ड, ठीक है, डायमंड्स, मेटलिक चीज़ें हो सकते हैं, आयरन, उस तरह के कुछ इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कोल माइन में उनका जॉब हो सकता है, ठीक है, कोल पेट्रोलियम इंडस्ट्री, उस तरह का कुछ जॉब्स हो सकते हैं। सो यहाँ से हम देखेंगे, सो हु इज दिस पर्सन, प्लीज बताएं यूनिवर्स। वर्क्स इवन एट नाइट, रात के समय पे भी ये काम करते हैं, हो सकता है ये। बिजनेस डील्स, बिजनेस पार्टनरशिप, मैंने यही कहा, बिजनेस डील्स, पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट्स, लीगल मैटर्स, आर्मी, पुलिस, सुपरिंटेंडेंट, इस तरह के जॉब्स। आफ्टर मैरिज आई विल ट्रैवल आउट ऑफ द कंट्री विथ यू एंड मे सेटल, हो सकता है कि बाहर रहते हो तो आपके साथ वो बाहर जाके सेटलमेंट करना चाहेंगे। इमरजेंसी सिचुएशंस पे हो सकता है कि आप लोग मिले। ऑयल, देखा अभी मैंने आपको बताया, नेचुरल ऑयल, ठीक है, पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, LPG। वैलेंटाइंस डे मीटिंग्स, डिस्कशंस एट ऑफिस, इस सारे समय पे आप लोग मिल सकते हैं। मेडिटेशन हो सकता है, ये बहुत ज़्यादा करते हैं। ओवरसीज ट्रैवल आपका है ही ना, ओवरसीज कनेक्शन। फॉन्ड ऑफ परफ्यूम्स, परफ्यूम्स के काफ़ी शौकीन हैं, अलग अलग परफ्यूम्स उनके ड्रेसिंग टेबल पे ज़रूर होगा। विक्ट्री, जीत पे विश्वास रखते हैं। जनवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट महीना हो सकता है। आउटसाइड योर कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन हो सकते हैं। ओके, नाउ बेसिकली कमिंग इन टू द मेन पिक्चर, आँख बंद करके मैंने करा है आप तो। 3 ZOI, MI, पिकू, पिकू किसका नाम है, या पिकू मूवी देखे हो आपने, उस मूवी को फिर से देख लेना, उस मूवी को फिर से देख लेना एक बार किसका नाम हो सकता है पिकू। मनीषा किसका नाम हो सकता है, मनीष किसका नाम हो सकता है। ओके, एंड ओके, UD, ओके, दिया नाम हो सकता है किसी का, दिशा नाम हो सकता है, सनी हो सकता है किसका नाम, ओके, त्रिशा हो सकता है किसी का नाम, सी, हेलो सी, सो लाइन ऑफ कंट्रोल में हो सकता है, बॉर्डर्स में हो सकता है किसी के पर्सन हो, बॉर्डर सब जानते ही है, आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ओके, सिम, दे मे चेंज देयर सिम क्वाइट ऑफन, हो सकता है कि वो इधर उधर रहते होंगे, मतलब देश के बाहर से, हो सकता है उनको सिम बदलना पड़ता है, या मे बी दे हैव देयर मोबाइल शॉप और रिचार्ज वाले कुछ शॉप्स हो सकते हैं। मौली किसी का नाम हो सकता है, सीमा हो सकता है, ओके, एंड ओके, मिया किसी का नाम हो सकता है, ओके, फर्स्ट इंसान फर्स्ट आए होंगे, ठीक है, कभी ना कभी फर्स्ट आए होंगे, एज अ टॉपर रहे होंगे, ओके, सब लोग देख लेना ये इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम पे या आपके नाम पे है या नहीं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस, आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड कीप वॉचिंग डिविनिटी टैरोस, एक्सपेक्ट ट्रूथ, ऑलवेज एक्सपोज डार्कनेस एंड विल एक्सपोज डार्कनेस। थैंक यू गाइज,
and love you a lot and take care of yourself. Bye.